वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Victor BS6 की। मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, ये जो बाइक थी बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर दी थी, नहीं बहुत पहले तो नहीं, खैर BS4 में एक बाइक डिसकंटिन्यू कर दी थी, BS4 तक में आती थी, उसके बाद ये जो बाइक थी ये कर दी थी डिसकंटिन्यू। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही जल्दी ये जो बाइक है दोबारा से लॉन्च होने वाली है और बहुत ही जल्दी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। तो देखते हैं अब क्या क्या है इस बाइक के बारे में। वैसे यार मेरा भी काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे इस बाइक की डिमांड कर रहे थे कि भाई इस बाइक के लिए वीडियो बनाओ। तो अब आप लोग के सामने इस बाइक के लिए वीडियो आ गई है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के बारे में, तो ये जो बाइक है इस बाइक के अंदर आपको दो वेरियंट अवेलेबल होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो वेरियंट है वो मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक का और जो दूसरा वेरियंट है वो मिलेगा आपको डिस्क ब्रेक का। और बात करी जाए तो ड्रम ब्रेक के अंदर, तो फ्रंट में आपको जो ड्रम ब्रेक का साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 110mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक होगा और जो रियल ड्रम ब्रेक होगा वो आपको 110 आपको सेम मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में, क्योंकि देखो इस बाइक का डिस्क ब्रेक अगर मैं जनरली बताऊँ ना, ये 110cc बाइक के अंदर सबसे बेस्ट ब्रेकिंग है इसकी। इस बाइक के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक वाले फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 240mm का पैटल डिस्क ब्रेक। मैं सही बता रहा हूँ भाई, अभी तक मेरे हिसाब से 110cc में इंडियन मार्केट में किसी में भी पैटल डिस्क ब्रेक वाली वो ब्रेकिंग नहीं है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिसके इस बार कटिंग कुछ अलग ही आने वाली है। बात करी जाए तो दोस्तों इसके फ्रंट व्हील साइज़ की, तो वो आपको 17 inches का फ्रंट व्हील साइज़ मिलेगा और जो रियल व्हील साइज़ मिलेगा वो भी आपको 17 inches का रियल व्हील साइज़ आपको इस बाइक में मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों बाइक काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी देखो पहले भी काफ़ी अच्छी सेल ही होती थी ये, लेकिन ये था कि पता नहीं क्यों कंपनी ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं कह सकते, लेकिन हाँ BS4 से इतना लंबा इन्होंने जो गैप ले लिया वो पता नहीं क्यों ले लिया, लेकिन चलो खैर ले लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब ये लॉन्च होगी तो बस अब मज़ा ही आने वाला है इस बाइक को लेकर। तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, 17 inches का फ्रंट अलॉय व्हील मिलेगा, जो रियल अलॉय व्हील वो भी आपको 17 inches का रियल अलॉय व्हील इस बाइक में मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे और वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट टायर साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 2.75 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ मिलेगा, जो रियल मिलेगा वो आपको 3.00 17 inches अलॉय व्हील्स के साथ आपको इसका टायर मिलेगा, यानी जो पीछे का टायर है वो थोड़ा सा वाइड मिलेगा आगे के मुकाबले। तो और चाहिए क्या यार, बढ़िया ही लगता है, हल्का सा भी अगर मोटा टायर हो ना पीछे से तो बाइक का लुक ही इनहेंस होकर निकल के आता है। बात करिए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको पायलट हेडलाइट मिल जाएगी, जिसका लुक यार लाइटिंग के मामले में तो मैं सही बता रहा हूँ, फिर से मैं वही बात बोलूँ, 110cc के अंदर इतने बड़ा इसका लाइट है ना, मतलब मस्त वाली LED लाइट है इसकी, मतलब सॉरी LED कह रहा हूँ, जो इसकी लाइट है वो मस्त है, जो पार्किंग में जो लाइट लगी हो तो और भी ज़्यादा मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होकर निकाल के देगी। बात कही जाए तो दोस्तों इसके अंदर LED नहीं आएगी, मिलेगी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलेगा और वैसी सेम तेल में भी आपको इस बाइक के अंदर हेलोजन बल्ब वाली लाइट मिल जाएगी। इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी आपको सेम LED आपको सेम ही मिलने वाला है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बल्ब वाला ही मिलेगा। लेकिन अगर बात करी जाए तो मीटर के अंदर आपको LED लाइट्स प्रोवाइड हो जाएगी और जहाँ तक अभी तक मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि इसके बाद इस बाइक के अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल आने वाला है, ठीक है, वैसे पहले भी आता था लेकिन पहले के मुकाबले अब कुछ अपग्रेड करा हुआ मिल जाएगा। तो बताता हूँ क्या क्या है, देखो अगर देखा जाए तो मीटर अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो इसका मीटर ऑलमोस्ट अपाचे की तरह ही लगता है, अगर देखा अपाचे का थोड़ा बड़ा है इसका छोटा, बाकी लुक वाइज प्रॉपरली देखा जाए तो सेम ही है, तो सेम वैसे ही आपको इसके अंदर मीटर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आ रही है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, सबसे पहले Trip 1 बताएगा, Trip 2 बताएगा, ठीक है, रियल माइलेज भी बताने का ऑप्शन इसके अंदर आएगा, टाइम भी बताएगी, सर्विस रिमाइंडर भी बता देगी आपको, वो इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी आपको लाइट ब्लिंक होते हुए दिख जाएगी। वहीं पे इसके अंदर आपको लो फ्यूल की वार्निंग भी मिल जाएगी, सर्विस रिमाइंडर भी आपको ये जो बाइक है ये बता देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आने वाली है इस बाइक के अंदर, जहाँ तक अभी तक मुझे लग रहा है कि 90% चांसेस है इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ गई। अगर इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई ना तो यार ये अलग लेवल की बाइक निकली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा Ntorq की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भाई अभी तक Top 1 में मेरे हिसाब से Top 1 या Top 2 में आ गया है, वो 125cc में टॉप सेलिंग स्कूटर अंदर है। तो यार अब ये तो है नहीं कि कंपनी इस बाइक को पीछे रखेगी, जो इस बाइक का जो लुक है मैं जेन्युइनली बताऊँ मुझे 110cc के अंदर सबसे बेहतरीन लुक लगता है। अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक भी चाहिए, अगर स्पोर्ट्स लुक वाली बाइक भी चाहिए ना, मैं सही बता रहा हूँ ये आप इसको ले लो, और आपको माइलेज भी बहुत बेहतरीन चाहिए, 110cc बहुत बेहतरीन माइलेज और लुक आपको काफ़ी अच्छा चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो मैं जेन्युइनली बोलूँ स्प्लेंडर से तो मुझे खैर अच्छी ही काफ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, बाकी वही है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना चाहिए।
और जहाँ तक है इसके अंदर लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी 500 किलोमीटर पहले ही बैटरी आपकी बता देगी, लाइट ब्लिंक हो जाएगी कि हाँ भैया बैटरी के अंदर इशू आने वाला था यार और चाहिए क्या। बात करी जाए तो DRLs आपको मिल जाएंगे, और वहीं पे अगर बात करी जाए तो इस बाइक का जो कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 113 kg का कर्व वेट इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो 113 kg का कर्व वेट मिलेगा, और इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1260 mm का व्हील बेस आपको इस बाइक में मिल जाएगा, और इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो मिलेगा 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से, अगर जहाँ तक मैं मेरे दिमाग लग रहा है, हीरो का एक्सपल्स की भी मेरे हिसाब से इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है, शायद इससे हाँ इसी के आसपास ही है। देखो यार इतनी ग्राउंड क्लियरेंस, ऑफ रोडिंग बाइक है वो, ये कहाँ भाई ऑन रोड बाइक, इतनी प्यारी ग्राउंड क्लियरेंस तो यार और चाहिए क्या, क्या ही मैं क्या ही कंपेयर करूँ इसको। आपको इस बाइक के अंदर 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, और सेम वही लुक का पेट्रोल टैंक इस बाइक में आपको मिलने वाला है जो पहले आता था। और देखो यार लुक तो मैं सही बताऊँ तो मुझे तो उस बाइक का लुक बहुत अच्छा लगता है, अभी भी आज भी मुझे अच्छा लगता है। बात करी जाए तो पेट्रोल टैंक इसके अंदर 10 लीटर का मिल जाएगा, जिसके आगे जो आगे के एजेस होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इसकी जो पहले थी थाइस के आगे, मतलब जहाँ तक हमारी नीज आते हैं उसके आगे हल्का सा पेट्रोल टैंक हल्का हल्का बाहर निकाल रखा है, तो वैसे ही टाइप का सेम इसके अंदर निकलने वाला है, वही चीज़ है, मस्त लगती है। मतलब अंदर जो बाइक है ना, मतलब अपनी लेग की सेफ्टी उसमें है, अगर देखा जाए ना लेग की सेफ्टी है इससे, उससे क्या ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके लेग पे। बात करी जाए तो इस बाइक की हाइट की, तो वो मिलेगी 1090 mm की हाइट मिल जाएगी, उस बाइक की जो ब्रेथ मिलेगी वो 750 mm की ब्रेथ आपको इस बाइक में मिल जाएगी। लेंथ की बात करूँ तो वो मिलेगी आपको 1980 mm का लेंथ आपको इस बाइक में मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं इस बाइक का बॉडी ग्राफिक कैसा आने वाला है, तो जहाँ तक अभी तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस बाइक के अंदर आपको अपाची वाले जो ग्राफिक्स हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वैसे ही लगने वाले हैं। अगर भाई वैसे ही आ गए तो थोड़े बहुत भी, अगर लिटिल बिट भी वैसे आ गए ना, बाइक अलग निकल जाएगी। क्योंकि यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ भाई, 110 cc के बाद भी ना, मैं अभी भी अगर लुक के बारे में बात करूँ तो मैं अगर ग्लैमर को और इसको खड़ी कर दूँगा तो दोनों ऐसे लगी जैसे दोनों ही 125 cc की बाइक है। 125 cc के हिसाब से इसका लुक बहुत अच्छा है, मतलब 110 में आपको 125 cc वाला लुक मिल रहा है, यार चाहिए क्या। अब बात कर लेते हैं इसके शॉकर्स, जो कि शॉकर्स के मामले में भाई कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है TVS के। अगर देखा जाए भाई, पर्सनली मेरे पास भी TVS की है स्टार सिटी, उसके भी आज तक शॉकर्स कभी लीक नहीं, और भाई शॉकर्स में क्या है कम्फर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। तो 5-step हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगी स्प्रिंग लोडेड। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, और वहीं पे ये जो बाइक का जो बॉडी पोस्चर रहता है वो कम्यूटर सेगमेंट का होने वाला है। और साइड में इस बाइक के अंदर आपको हैंडल बार मिल जाएंगे साइड में, वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। मैं अगर सही बताऊँ, कभी भी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहले इंपैक्ट उस पर पड़ता है, और वो चीज़ टूट गई तो यार वो चीज़ बनाई इसलिए कि ताकि इंपैक्ट उस पर पड़े, जो बाइक है आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। सिंगल ट्यूबलर फ्लेम की आपको इसके अंदर चेचेज मिल जाएंगी, पैसेंजर फुटरेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसमें, पासिंग स्विच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, देखो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। और वहीं पे अगर बात कर जाए तो मीटर कंसोल मैंने आपको पहले बता दिया, अनलॉक प्लस डिजिटल मिल जाएगा, और वहीं पे इसके अंदर इस बाइक के अंदर आपको SBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, यानी जब आप इस बाइक का रियल ब्रेक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट ब्रेक इसका वर्क करेगा, रियल ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक आपको इसके साथ वर्क करेगा। ये चीज़ इसमें बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस यार मैं खुद चाहता हूँ ये सिस्टम ना फ्रंट ब्रेक के साथ होता है, मैं खुद फ्रंट ब्रेक का हैबिचुअल, मैं खुद फ्रंट ब्रेक लगाता हूँ भाई। और वहीं पे अभी तक अगर देखा जाए ना, अगर मैं एक चीज़ जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रही है, जहाँ तक है मुझे लग रहा है ब्रेकिंग के मामले में शायद ये मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ यार, कंपनी मज़ा आ जाएगा अगर इस बाइक में ABS आ गया, इस बाइक के अंदर ABS आ गया ना मज़ा आ जाएगा। और ABS भी भाई तुम्हें पता है अपाची जो है वो सुपर मोटो का यूज़ करता है, वो भाई साहब रेसिंग ट्रैक में बहुत ज़्यादा फेमस है, रेसिंग मशीन्स में सबसे ज़्यादा फेमस है भाई सुपर मोटो के, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग होते हैं। और भाई अगर इस बाइक में उस कंपनी का ABS सिस्टम आ गया ना, मज़ा आ जाना है, अब मैं क्या ही बोलूँ। और बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में और, तो इसके अंदर आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन अब मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पे 5-speed का होता है, मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहा हूँ तो मज़ा आ जाए, मतलब 110 cc में 5-speed गियर बॉक्स तो चाहिए क्या यार। अगर 5-speed गियर बॉक्स आ गया ना तो यार ऑल ही अलग ही मज़ा आ जाएगा इस बाइक में। और वहीं पे इस बाइक के अंदर 3-wall आएंगे, चैन टाइप की आपको ये बाइक मिल जाएगी, एयर कूल्ड आपको बाइक मिलेगी, सिंगल सिलेंडर की बाइक मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर आपको 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke DS6 3-wall आपको इसके अंदर नीचे मिलेगा, 110 cc के अंदर 3-wall की बाइक। अगर मैं इसकी बात करूँ और एंटेको की बात करूँ, दोनों बाइकों के अंदर 3-wall इंजन है, और खैर हाँ इन्हीं दोनों के अंदर 3-wall इंजन है, बाकी यार बस और क्या चाहिए,
110 सीसी में 3 वॉल इंजन। और आपने इस बाइक का साउंड सुना होगा, साउंड पहले जैसा ही रहने वाला है, लेकिन हाँ ये कि आरपीएम थोड़ा आपको हैवी मिलेगा, क्योंकि जब इसमें एफआई लगेगा तो आरपीएम जो है वो आपको हैवी मिलेगा, ऐसे टाइप की आपको इस बाइक के अंदर आवाज़ आएगी अगर मेरी आवाज़ निकली तो। और मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा इसके अंदर 10.5 पीएस एट 7500 आरपीएम, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 10 न्यूटन मीटर एट 6000 आरपीएम पर। बात तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर दी जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद लगता है शेयर को सब्सक्राइब करो, और एक चीज़ और, सेल्फ और किक दोनों का ऑप्शन इसमें मिलने वाला, ठीक है। ये तो खैर ज़्यादा बताने वाला चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया। तो जो करना वो लेंगे बताएंगे, खराब करके चैनल है राहुल वॉक करके उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके okay।